जय हिमालय, जय भारत। मैं चलिस डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा। हिमालय की जातियों के इतिहास के क्रम में इस बार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के ब्राह्मणों के इतिहास की दूसरी कड़ी के साथ आया हूँ। गढ़वाल में ब्राह्मण किस क्षेत्र से आए और उनके जाति संज्ञा नाम कैसे पड़े, इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। हिमालय क्षेत्र के विभिन्न जातियों को लेकर इस चैनल में पहले से भी कई वीडियो हैं। अब इस बारे में बताने से पहले आप सभी हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया में सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। मैं पहले ही साफ कर देता हूँ कि मेरा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना मात्र है, न कि किसी का महिमा मंडन करना। मेरा यह आलेख व वीडियो गढ़वाल के पहले प्रमाणिक इतिहास लिखने वाले पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, राय बहादुर पातीराम समेत कई लेखकों की पुस्तकों पर आधारित है। इन पुस्तकों में इन जातियों को लेकर जो भी दिया गया है उसको मैंने एक साथ समग्रता के साथ पेश करने की कोशिश की है। गढ़वाल में ब्राह्मण सदियों पहले से आने लगे थे। उत्तराखंड में सदियों पहले से ब्राह्मण और क्षत्रिय आकर यहीं बस जाते रहे हैं। पौराणिक काल में भी ब्राह्मण आए। महाभारत काल में महाराजा पांडव के साथ भी यहाँ ब्राह्मण आए थे। पांडव भी बर्वास के समय जब केदारखंड आए तब भी यहाँ ब्राह्मणों के होने का उल्लेख मिलता है। गढ़वाल में ब्राह्मण जातियां विभिन्न श्रेणियों में विभक्त रही हैं। हालांकि अब समय के साथ ये सभी भेद मिट गए हैं, यह अच्छी बात है। टिहरी रियासत के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार गढ़वाल में ब्राह्मण सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री या खस ब्राह्मण में विभक्त रहे हैं। सरोला व गंगाड़ी वे ब्राह्मण हैं जिनके पुरखे मैदानों से गढ़वाल आए। वैसे मैं इसे लेकर एक वीडियो पहले भी यहाँ दे चुका हूँ, इस चैनल में है। अब यह जानकारी दे रहा हूँ कि ये ब्राह्मण कब और कहाँ से आए और उनके जो ये सरनेम है वो कैसे बने। अभी तक उन्हीं ब्राह्मणों का इतिहास मिलता है जिन्हें सरोला व गंगाड़ी कहते हैं और वे 8वीं से 9वीं शताब्दी के बाद या उसी दौरान से गढ़वाल में आने शुरू हुए थे। दरअसल गढ़वाल कुमाऊं में बड़ी संख्या में खस ब्राह्मण भी रहते हैं, परंतु इनमें से अधिकतर ने अब वही जाति संज्ञा अपना लिए हैं जो कि सरोला व गंगाड़ी अपनाते रहे हैं। खस, नाना गोत्री, देवप्रयागी, पंडे आदि ब्राह्मणों को भी सरोला और गंगाड़ी जाति नाम मिलते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के सरनेम वाले ब्राह्मण भी यहाँ हैं। ये वे ब्राह्मण हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के राजा या धनिक लोग अपनी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान पुरोहित के तौर पर यहाँ लाते थे और यहीं बसाते देते थे ताकि अगली यात्रा में भी वे उनके पुरोहित का काम कर सकें। गढ़वाल के अधिकतर ब्राह्मणों की जातियों के नाम उनके प्रथम गांव के नाम पर पड़े हैं, परंतु 15वीं व 16वीं शताब्दी के बाद जो भी ब्राह्मण यहां आए उनके नाम उनके पहले ही स्थानों से रहे हैं जहां से वे गढ़वाल आए थे। गढ़वाल में सरोला और गंगाड़ी 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान मैदानों क्षेत्रों से केदारखंड आए थे। पवार शासक के राजगुरु, पुरोहित, मंत्री, वैद्य, रसोईया आदि के रूप में काम करने वाले ब्राह्मण सरोला कहलाए। पवार राजवंश के वजीर रह चुके हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखा गया है कि सरोला जाति पहले 12 जातियों में विभक्त थी, अर्थात उनके 12 थान यानी स्थान थे नौटी, मैटवाणा, खंडूड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लखेसी या लखेड़ी, सेमलता, सिरगुरौ, कोटी और डिम्मर, ये थे। कोई नवे स्थान पर सेमलता की बजाय गौरला को बताते हैं। इन गांव के नाम पर ही यहाँ के इन सरोला ब्राह्मणों का जाति संज्ञा नाम पड़ गया। सरोलाओं के शुरू में 12 थान यानी स्थान थे, अर्थात सरोला मुख्यतः यही 12 जातियां थी। अन्य जातियों को बाद में मिलाया जाता रहा। महाराजा महिपत शाह 1629 से 1646 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। उन्होंने सरोलाओं में और जातियों को शामिल किया था।
इस तरह पहले तो 12 और फिर इसके बाद 21 और फिर बाद में ये कुल बढ़ाकर 33 जातियां सरोलाओं की पाई जाती हैं। चांदपुर गढ़ी में गढ़वा राजधानी रहने पर राजवंश के राजगुरु, पुरोहित, मंत्री, वैद्य, रसोईया आदि यह सरोला ब्राह्मणी थे और ये इसलिए सरोला भी कहलाए। जबकि हिमालय के निचले क्षेत्रों यानी गंगा आदि नदियों की घाटियों यानी गंगार क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण गंगाड़ी कहलाए। नाना जाति के ब्राह्मण यहाँ वहाँ के मूल आदि निवासी माने जाते हैं, जिन्हें खस ब्राह्मण कहा जाता है। और गढ़वाल में आने के बाद जिन सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों ने नाना गोत्र के ब्राह्मणों से शादी की, उनकी संतानें भी नाना गोत्र की ब्राह्मण कहलाए। इसलिए कई जगह इन तीनों के सरनेम भी मिल जाते हैं। गढ़वाल को तब केतारखंड कहा जाता था। सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों के जाति संज्ञा नाम उनके प्रथम पैतृक गांव के नाम पर पड़े हैं, जहां उनके प्रथम पुरख पुरुष बसे थे। इस क्रम में मैं पहले 12 थोकी सरोलाओं की जानकारी दे रहा हूं। इसके तहत सबसे पहले अपनी लखेड़ा जाति से प्रारंभ कर रहा हूं। लखेड़ा इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय भानुवी नारद और श्रद्धेया भारती जी थे। ये आद्यगौर ब्राह्मण हैं और बंग देश यानी बंगाल के वीरभूम क्षेत्र के मिदनापुर के कंसावती नदी के किनारे बसे गांव से आए थे। वैद्यराज भानुवी नारद बदी विशाल के दर्शनों के लिए तीर्थयात्रा पर आए थे। बदीनाथ धाम में गढ़ नरेश की पुत्री के इलाज करने पर तत्कालीन पमार नरेश ने वैद्यराज भानुवी नारद जी को चांदपुर गढ़ी में बसने का आग्रह किया था। नरेश के आग्रह पर संबत 1117 यानी सन 1060 में वे लखेड़ी गांव में बसे। उनका विवाह डिमरी परिवार की भारती उर्फ हंसा जी से हुआ था। लखेड़ी गांव में बसने के कारण वे लखेड़ा कहलाए। वे गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी बसे हैं। डिमरी इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय राजेंद्र बलभद्र थे। वे द्रवण ब्राह्मण थे और कर्नाटक के संतोली से आकर गढ़वाल के डिमर गांव में बसे थे, इसलिए डिमरी कहलाए। राजेंद्र बलभद्र जी शंकराचार्य जी के अर्चक के तौर पर उनके साथ गढ़वाल आए थे। नौटिया इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय देवीदास नीलकंठ थे। चांदपुर गढ़ी में पवारों का शासन रहने पर नौटियाल उनके कुल पुरोहित थे। वे भी पवार वंश के संस्थापक कनकपाल के साथ संबत 945 में मालवा के प्राचीन राज्य धार नगरी से आए थे। नौटियाल गौड़ ब्राह्मण हैं और चांदपुर के नौटी गांव में बसने से नौटियाल कहलाए। नौटियालों की 6 शाखाएं हैं। इनमें ढंगाण, पलत्याल, मंचखोला, गजलटी, चांदपुरी और बसौली शामिल है। गोदियालों को भी नौटियालों की एक शाखा माना जाता है। मैठाणी इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय रूपचंद त्र्यंबक चांदपुर के मैठियाणा गांव में बसने के कारण इनके वंशज मैठाणी कहलाए। ये गौड़ देश यानी बंगाल के छकात से संबत 957 में आए थे। वे आद्य गौड़ ब्राह्मण हैं। खंडूड़ी इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय सारंधर महेश्वर थे। ये गौड़ ब्राह्मण हैं। संबत 945 में वीरभूम बंगाल से आकर खंडूड़ा गांव में बसे और इसलिए खंडूड़ी कहलाए। रतुड़ी इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय सत्यानंद राजबल थे। रतुड़ा गांव में बसने थे, रतुड़ी कहलाए। ये आद्य गौड़ ब्राह्मण हैं और गौड़ देश से यानी बंगाल से संबत 980 में आए। थपलिया इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय जयचंद मैचंद जयपाल थे। वे आद्य गौड़ हैं और संबत 980 में गौड़ देश से आकर चांदपुर क्षेत्र के थपली गांव में बसे, इस कारण थपलियाल कहलाए, जो कि अब थपलियाल कहे जाते हैं। चमोली इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय धनीधर हरमी बिरमी थे। चमोली द्रवण ब्राह्मण हैं। वे रामनाथ बिलहित से संबत 924 में आए थे। चमोला गांव में बसने से चमोली कहलाए। सेमौल इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय प्रभाकर थे। सेमौल आद्य गौड़ हैं और संबत 980 में बंगाल के वीरभूम से आए थे। सेम गांव में बसने से सेमौल कहलाए। सेमल्टी इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय गणपति थे। वे आद्य गौड़ ब्राह्मण हैं और बंगाल के वीरभूम से संबत 965 में आए। सेमल्टा गांव में बसने से सेमल्टी कहलाए। कोठियाल
ये गौड़ ब्राह्मण हैं, चांदपुर क्षेत्र के कोटी गांव में बसने से कोटियाल कहलाए, जो कि कोटियाल या कोठियाल कहलाते हैं। गैरोला, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय जयानंद विजयानंद थे। ये आद्य गौड़ हैं और संवत 972 में आए, गैरोली गांव में बसने के कारण गैरोला कहलाए। बिजलवा, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय बिज्जू थे। ये गौड़ ब्राह्मण हैं और प्रथम पुरुष बिज्जू के नाम से बिजलवाण कहलाए। सती, ये गुजरात से आए। नवनी, नवनी और नवानी इनकी ही शाखाएं हैं। ये नवन या नवन गांव में बसने से इनका ये जाति संज्ञा नाम मिला। कंडवा, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय श्रीकंठ व उनके वंश निगमानंद और अगमानंद थे। कंडवाल लोग कुमाऊं से गढ़वाल आए। कहा जाता है कि कुमाऊं के कांडपाल ही गढ़वाल में कंडवाल कहलाए। कांडई गांव में बसने से भी कंडियाल या फिर कंडवाल कहलाए। सिरगुरव भी सरोला ब्राह्मण है। हटवाल, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय सुदर्शन विशेश्वर थे। ये गौड़ ब्राह्मण हैं और बंगदेश के वीरभूम से संबत 1059 में आए, हाट गांव में बसने से हटवाल कहलाए। मारा डूड़ी, खुद को खंडूड़ी की उपशाखा मानते हैं, मंडूर गांव में बसने से मारा डूड़ी कहलाए। पुजारी, वे संबत 1772 में दक्षिण भारत से आए भट ब्राह्मण हैं, चंद्रवदिनी देवी की पूजा करने के कारण पुजारी कहलाए। मेहराब के जोशी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय वीरसेन भद्रासेन थे। ये कान्यकुज कुब्ज ब्राह्मण हैं, संबत 1812 में कुमाऊं से आए। श्री गुरु, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय वीरसेन भद्रासन थे। ड्योंडी, ये ड्योंड गांव में बसने से ड्योंडी कहलाए। इनके साथी भदवाल, जयसवाल, सिलोड़ा, मालीवाल, जसोला, कैलाखोरा, धमवाल, नैनियाल, मालगुड़ी, चौक्याल भी सरोला हैं, और लेकिन ये बाद में सरोलाओं में शामिल किए गए। भट्ट जाति के लोग भी सरोला हैं, लेकिन जाने लायक क्या है कि सरोला गंगाड़ी, नाना गोत्री और नागपुरी ब्राह्मणों में तीनों में भट्ट जाति के लोग शामिल हैं। कुछ डोभाल भी सरोला है। कहा जाता है कि वे डोभालों के धर्मपुत्र सरोलाओं के वंशज हैं। अब गंगाड़ी की बात करते हैं। गंगाड़ी ब्राह्मणों में चार जातियों को चौथों की कहा जाता था। इनमें बहुगुणा, डंगवाल, डोभाल और उनियाल शामिल हैं। दरअसल चांदपुरी गढ़ी तक जब पवार राजवंश का शासन रहा तो वहाँ सरोलाओं का एक छत्र प्रभाव था, राज जैसे ही कह सकते हैं। लेकिन जब पवारों की राजधानी देवलगढ़ और श्रीनगर आ गई तो फिर वहाँ पर इन चौथों की ब्राह्मणों का प्रशासन में दखल बढ़ गया था और कि ये भी पावरफुल ब्राह्मण माने गए, लेकिन सामाजिक स्तर पर सरोलाओं के क्रम ऊपर रहा। बहुगुणा, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय कृष्णानंद अच्युतानंद थे। बहुगुणा जाति को पहले बुघाणा कहा जाता था। ये आद्य गौड़ हैं और संवत 980 में गौड़ बंगाल से आकर गढ़वाल के बुधाणी गांव में बसे थे, इसलिए बहुगुणा कहलाए। डोभाल, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय कर्णजीत थे। डोभा गांव में बसने से डोभाल कहलाए। वे संवत 945 में आए, वे कालीकुब्ज ब्राह्मण हैं। उनिया, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय जयानंद विजयानंद थे। वे दो पृथक गोत्री मैथिली ब्राह्मण ममेरे फुफेरे भाई ओझा और झा थे। दरभंगा, मगध, बिहार, बोनी गांव में बसे थे। कहा जाता है कि उनको ओनी में जागीर देने से वे उनियाल कहलाए, जो कि अब उनियाल कहे जाते हैं। घिल्डिया, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय लुथमदेव गंगदेव थे। वे आद्य गौड़ हैं और संबत 1100 में घिल्डी गांव में बसने से घिल्डियाल कहलाए। नैथानी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय कर्णपाल इंद्रपाल थे। इनको नैथानी भी कहा जाता है, नैथानी। वे कानिकुज ब्राह्मण हैं, संबत 1200 में कन्नौज से आकर गढ़वाल के नेथाना गांव में बसे और इसलिए नेथानी कहला। जुयाल, जुयाल इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय वसुदेव विजयानंद थे। वे संबत 1700 में महाराष्ट्र के विलहित से आए, जुया गांव में बसने से जुयाल कहलाए। सकलानी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय नामदेव थे। इनको सकल्याणी भी कहा जाता है। वे कान्यकुब्ज हैं, संबत 1700 में अवध के डोडिया खेड़ा से आकर सकलाना गांव में बसे, इसलिए इन्हें या इनकी पट्टी को सकलाना नाम पड़ गया। इनको पुजारी भी कहा जाता है।
पैनुली, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय ब्रह्मनाथ थे। वे गॉड हैं, ब्राह्मण हैं। संबत 1207 में दक्षिण भारत से आकर पन्याला गांव में रमोली में बसे, इसलिए पैनुली या पैनुली कहलाए। चंदोला, चंदोलाओं के प्रथम पुरुष सुधे और लूथराज थे। वे सारस्वत ब्राह्मण हैं। वे पंजाब से आकर चंदोसी में बसे और वहां से संबत 1633 में गढ़वाल आए। ढौंडिया, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय रूपचंद थे। वे गौड़ ब्राह्मण हैं। राजपूताना से संबत 1713 में आकर ढौंड गांव में बसे, इसलिए ढौंडियाल कहलाए। नौडियाल, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय शशिधर थे। वे गौड़ ब्राह्मण हैं। भृंग चिरंग से संबत 1600 में गढ़वाल के नौड़ी गांव में बसे, इसलिए नौडियाल या नौडियाल या नौरियाल कहलाए। ममगाई, ये गौड़ ब्राह्मण हैं। उज्जैन से आकर गढ़वाल में अपने मामा के गांव में बसने के कारण ममगाई कहलाए। बर्थवाल, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय सूर्य कमल मुरारी थे। ये गौड़ ब्राह्मण हैं। संबत 1500 में गुजरात से आकर बड़ेद गांव में बसे, इसलिए बर्थवाल कहलाए। कुकरेती, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय गुरुपति थे। वे द्रविड़ ब्राह्मण हैं। बलहित से संबत 1409 में आकर कुकरकाटा गांव में बसे, इसलिए कुकर रेती कहलाए। धर्माना, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय हरदेव बीरदेव धामोदास थे। ये गौड़ ब्राह्मण हैं। उज्जैन से संबत 1723 में आए, धस्मान गांव में बसने से धस्माना कहलाए। कैथोला, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय राम बितल थे। ये भट्ट हैं और गुजरात से संबत 1669 में आकर कैथोली गांव में बसे, इसलिए कैथोला कहलाए। सुया, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय दजलबाज नारायण थे। ये भट्ट हैं और गुजरात से आकर सुई गांव में बसे, इसलिए सुया कहलाए। बंगवा, ये गौड़ वंश के हैं। संबत 1725 में मध्य प्रदेश से आए और यहाँ गांव बांगा गांव में बसने से बंगवा कहलाए। अंतवाल, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय रामदीप थे। ये सारस्वत ब्राह्मण हैं और संबत 1555 में पंजाब से गढ़वाल आए, अनेत गांव में बसने के कारण अंतवाल कहलाए। बौखंडी, वे अपने को भूखंड कवि के वंशज बताते हैं। वे महाराष्ट्र के बिलित से संबत 1700 में आए। जुगणान, वे मूलतः पांडे हैं। कुमाऊं से संबत 1700 में आए, जुगड़ी गांव में बसने से जुगणान कहलाए, अब जुगराण कहे जाते हैं। मालकोटी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय बालक दास थे। ये गौड़ हैं। संबत 1700 में यहाँ आए। बलोधी, ये द्रविड़ हैं। संबत 1400 में दक्षिण से आए, यहाँ बलोद गांव में बसने से बलोधी कहलाए। घनशाला, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय मग्नदेव थे। ये गौड़ हैं और संबत 1600 में गुजरात से आए, घनशाली गांव में बसने से घनशाला कहलाए। मंडवाल, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय राजदास थे। ये अल्मोड़ा के द्वारहार से संबत 1700 में आकर महड़ गांव में बसे और मंडवाल कहलाए। देवरानी, ये भट्ट हैं और गुजरात से संबत 1500 में यहाँ आए, इनको देवरानी भी लिखा जाता है। पोखरिया, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय गुरसेन थे। इनकी पूर्व जाति बिलवल है। ये संबत 1678 में बिलिस से यहाँ आए, पोखरी गांव में बसने से पोखरिया कहलाए। डबराल, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय रघुनाथ विश्वनाथ थे। ये महाराष्ट्र से हैं और ये संबत 1433 में आकर डाबर गांव में बसे, इसलिए डबराल कहलाए। सुनिया, ये दक्षिण भारत से संबत 1711 में आकर आए। ये कर्नाटक वंश के हैं। सुंदरौली गांव में बसने से सुंदरियाल कहलाए, इनको सुंदरियाल भी कहा जाता है। कलसी, ये भट्ट हैं और संबत 1300 में गुजरात से आकर यहाँ बसे। किमोठी, इनके प्रथम पुरुष सिद्धेय राम भजन थे। ये गौड़ हैं और संबत 1617 में बंगाल से आकर किमोठा गांव में बसे, इसलिए किमोठी कहलाए। कवि, ये काने कुब्ज हैं और कविता रचने के कारण कवि कहलाए। ये संबत 1730 में कन्नौज से आए। पुरबिया, कुमाऊं से आई कई जातियों को यह जाति संज्ञा नाम दिया गया है। कोठारी या कोठारी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय कुमार देव थे। ये शुक्ल हैं। संबत 1791 में बंगाल से आकर कोठार गांव में बसे, इसलिए कोठारी कहलाए। बड़ोला, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय उज्जल थे। ये गौड़ वंश के हैं। संबत 1798 में उज्जैन से आकर बडोली गाँव में बसे, इसलिए बड़ोला कहलाए। पांत्री, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय देव अंथु
पंथराम थे। ये सारस्वत हैं, संवत 1600 में जालंधर से आकर पांथर गांव में बसे, इसलिए पांथरी कहलाए। बलोनी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय जीवराम थे, ये सारस्वत हैं और जालंधर से संवत 1500 में आकर बलोन गांव में बसे, इसे बलूनी या बलोनी कहलाए। पुरोहित, ये पुरोहिताई करने के कारण पुरोहित कहलाए। ये खजीरी वंश के हैं, संवत 1813 में जम्मू से आकर यहाँ बसे। बडोनी, ये गौड़ ब्राह्मण हैं, संवत 1500 में बंगाल से आकर बडोन गांव में बसे, इसलिए बडोनी कहलाए। रुडोला, ये तैलंग हैं, सिंध हैदराबाद से आकर यहाँ बसे। सुन्याल या सोन्याल, यहाँ सोनी गांव में बसने से सुन्याल कहलाए। कोटनाला, वे गौड़ हैं और बंगाल से संवत 1725 में आकर कोटी गांव में बसे, इसलिए कोटनाला कहलाए। यह भी कहा जाता है कि ये 1600 के आसपास यहाँ बस गए थे। काला, ये काली कुमाऊँ से संवत 912 में गढ़वाल आए, इसलिए काला कहलाए। कौंसवाल, ये गौड़ हैं, संवत 1722 में यहाँ आकर कंस्याली गांव में बसने से कौंसवाल कहलाए। बैरागी, ये ग्रस्त बैरागी हैं। मलासी, ये गौड़ हैं और मलासु गांव में बसने से मलासी कहलाए। फरासी, ये द्रविड़ हैं, संवत 1791 में दक्षिण से आकर यहाँ फरासो गांव में बसे और फरासी कहलाए। बदाणी, ये कालीकुब्ज हैं, संवत 1722 में कन्नौज से आकर बधाण परगड़ने में बसने से बधाणी कहलाए। कोटवाल, कोट गांव में बसने से कोटवाल कहलाए। सैलवाल, सैल गांव में बसने से सैलवाल कहलाए। कुड़ियाल, ये गौड़ हैं, संवत 1600 में बंगाल से आकर कुड़ी गांव में बसने से कुड़ियाल कहलाए। भट्ट, ये भट्ट जाति से हैं, दक्षिण भारत से आए और गढ़वाल का एकमात्र जाति है जो सरोला भी है, गंगाड़ी भी है, नागपुरी भी है, नाना गोत्री भी है, सभी ब्राह्मणों की सूची में शामिल है। बौराई, ये गौड़ हैं, संवत 1500 में यहाँ बौधार या पीर गांव में बसने से बौराई कहलाए और इनको बौराई भी कहा जाता है। मकोटी, ये दो तरह के मकोटी हैं, ये दूसरे मकोटी हैं, ये कानिकुब्ज हैं, कन्नौज से संवत 1622 में आकर मकोटी गांव में बसे, इसलिए मकोटी कहलाए। भिंजोला, ये द्रविड़ ब्राह्मण हैं। गोदुड़ा, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय गोदू थे, ये भट्ट वंश के हैं और संवत 1718 में दक्षिण से आए। भदोला, ये द्रविड़ ब्राह्मण हैं, दक्षिण से आए और इनको भारद्वाज भी कहा जाता है। मूसड़ा, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय भागदेव थे, ये गौड़ हैं, बंगाल से आकर मुसड़ गांव में बसने से मुसड़ा या मुसड़ा कहलाए। ब्यासुड़ी, इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय ब्यास थे, ये भट्ट हैं और दक्षिण भारत से संवत 1600 में आए। सिलवाल, ये द्रविड़ हैं, बनारस से आकर सिल्ला गांव में बसने से सिलवाल कहलाए। मिस्सर, ये कुमाऊँ से आए। मन्ना झूली भी गंगाड़ी हैं। बैंजवार, ये कानिकुब्ज हैं, ये 11वीं सदी में बीजमठ महाराष्ट्र से यहाँ आकर अगस्त्य मुनि क्षेत्र के बेंजी गांव में बसे, इसलिए बैंजवार कहलाए। पंत, कुमाऊँ से यहाँ आकर इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय जयचंद थे और वे कोंकण महाराज से 10वीं सदी में कुमाऊँ आए, वहाँ से उनके कुछ वंशज गढ़वाल आए थे। कुनिया, ये कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, कन्नौज से कुनी गांव में बस गए, इसलिए कुनियाल कहलाए। खंतवाल, खनेता गांव में बसने थे, खनेतवाल व फिर खंतवाल कहलाए। जोशी, ये कुमाऊँ से संवत 1700 में आए। इनके अलावा कई जातियां ऐसी हैं जिनको नागपुरी कहा जाता है। ये नागपुर क्षेत्र यानी केदारखंड केदारनाथ जी के इलाके में बसे हैं और सरोलाओं से पहले यही ब्राह्मण जो है वहाँ के राज दरबार में प्रभावशाली थे। इनमें किमोठी, मैकोटा, बिंजोला, सिलवाल, कंडियाल, सेमवाल, धर्मवाड़ा, गुगलेता, मंगवाल, खौली, थलवाल, थालसी, धमकवाल, जमलागी, बरमवाल, गरसारा, बमोला, संगवाल, पुरबिया, पलाता, पलोड़ी, ध्यालखी व मिस्र इनमें ये प्रमुख हैं। ये केदारनाथ क्षेत्र में थे हैं। इनके अलावा तेप्रयाग के पंडों की भी अलग जातियाँ हैं। इनमें मालिया, टोडरिया, कोटियाल, पुरोहित, ध्याणी, अर्जुना, पल्याल, बावलिया, अलखनिया, रैवानी, तिवाड़ी, भट्ट, द्राविड़, कर्नाटक, तेलंग, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजराती व जोशी प्रमुख हैं। इनमें कुछ ऐसी जातियां जो सरोला और गंगाड़ी में भी इनके सरने मिलते हैं। वास्तव में ये धर्मपति या घर जवाई रखे गए थे और इनके कारण इनका ये सरने वहीं प्रचलित रह गया। इनमें डोभाल, टंगवाल, नौटियाल, खंडूड़ी, बुधाणा, मिस्र, उन्याल, खास्याल, डबराल, थपलियाल, बलोनी भी हैं। कुमाऊँ से आई कई जातियाँ
पांडे, पंत, मिस्र, तिवाड़ी, जोशी, जोगड़ी आदि को पूर्विया कहा जाता है। इनके अलावा कई दर्जनों ऐसी जातियां जिनके बारे में भी जानकारी जुटाई जानी बाकी है। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनको किरात मूल का कहते हैं और जो शिव मंदिरों के पुजारी थे और उन वो भी अब इस तरह के से दूसरी उन्होंने टाइटल अडॉप्ट कर दिए हैं, उनको उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। और पहले जो भेदभाव था ब्राह्मणों का कि एक दूसरे से खान पीन भी नहीं था, शादी भी नहीं होती थी, लेकिन अब सारे भेद मिट गए हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस इतिहास की एक जानकारी देना मात्र था कि इस तरह के कालखंड में भी गढ़वाल में लोग रहते थे, ब्राह्मण इस तरीके से आए। जो भी सरनेम मिलते हैं अधिकतर की कहानियाँ यही है कि उनके मूलतः जो गांव में उनके प्रथम पुरुष बसे उनसे यह नाम संज्ञा नाम जाति संज्ञा नाम उनको मिला, जिसको हम सरनेम कहते हैं। तो दोस्तों यह था गढ़वाल के ब्राह्मणों का सरनेम और उनके आने का और उनके मूल क्षेत्र के को लेकर कुछ जानकारी और यह उनका छोटा सा एक इतिहास का हिस्सा। अगली वीडियोस में जो मेरी सीरीज आएगी उनमें लगातार सभी ब्राह्मणों के अलग अलग बारे में दूंगा, कुमाओं के बारे में दूंगा, यहाँ के क्षत्रियों को भी के बारे में भी जानकारी दूंगा, कुछ शिल्पकारों के बारे में मैंने वीडियो दी हैं उनको सब देखते रहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वालों को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।